हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है एक और बार रेखा कनौजिया ब्लॉग में आप सभी का। तो आज का ये ब्लॉग जो मेरा है, लगभग 2:15 हो रहा है और अब चालू हुआ है। तो अब मैं फिर भी काम से तो मैं फ्री हो गई थी, पर अब हम जा रहे हैं हम खाना खाने के लिए। और मौसम आज भी धूप छाँव वाला है, कभी धूप कभी छाँव, क्योंकि देख सकते हैं। और आज है 1 जुलाई, जो कि बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं, पर आज मैंने कार्तिक को नहीं भेजा। मैंने सोचा शायद बच्चे आज कम आएंगे, तो मैं कल से भेजूंगी। तो चलते हैं दोस्तों, खाना वाना मैं बना चुकी हूँ, देख सकते हैं आप लोग। मैं पसीने से तरबतर हो रखी हूँ बिल्कुल, और बच्चे बैठे हुए खाने का वेट कर रहे हैं। तो खाने में मैंने आज बनाया हुआ है पूड़ी, कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी, जो भंडारे वाली होती है। पर मुझे पता है उस तरीके से तो बन नहीं सकती है, पर मैंने थोड़ा थोड़ा कोशिश की कि मैं उस तरीके से सब्ज़ी बनाऊँ। तो रसेदार सब्ज़ी, आलू टमाटर की और पूड़ी और कचौरी। तो बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए, उसके बाद मिलूँगी आपसे। पहले आपको मैं अपना खाना दिखाती हूँ। देखिए मेरा खाना लगा हुआ है, ये देख सकते रखा हुआ खाना। कार्तिक बैठा हुआ है, दांत दिखा रहा है अपने। ये हर्षू बैठा है, हाय हेलो कर दो। तो आपको एक बार दिखाती हूँ, देखिए ये प्लेट हर्षू की है। हर्षू लेके नचाने में लगा पड़ा हुआ है। पानी बोतल ले, आलू की सब्जी और यहाँ पर कचौड़ी और ये पूड़ी। गाइस को इनवाइट करो, गाइस आप भी खा लो पूड़ी आलू सब्जी। ये एक एक मिनट, ये देखिए सब्जी है टमाटर की, मुझे तो लग रहा है उस तरीके से। अभी मैंने कुछ दिन पहले बनाई थी, 2-3 दिन पहले, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और यहाँ पर पानी है और ये रही कचौरी, जो हर्षू ने थोड़ी सी तोड़ भी दी शायद। और ये पूरी तो मैं अभी गिलहरी को डाल के आई हूँ, अगर खा रही होगी तो मैं वो आपको चल के दिखाती हूँ बाहर। तो अभी आती हूँ। तो गिलहरी तो आई नहीं, मैंने वो पूरी डाल रखी है, आप लोग देख सकते हैं बहुत तले वहाँ पे। ये देख सकते हैं ये पड़ी हुई, और ये पानी मैंने पंछियों के लिए। और आपको एक बार और मौसम का मैं ज़्यादा दिखा देती हूँ कैसा, ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन मौसम है। अभी हमारा सामने बालकनी पर नीम का पेड़। तो चलते हैं दोस्तों, खाना खाने के बाद आपसे मिलेंगे, तब तक कि आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। हेलो यूट्यूब फैमिली, लगभग शाम हो चुकी है और 6 बज चुका है। तो अभी मैं आज मैं सोच रही हूँ, मैं कई दिन से सोच रही थी कि मैं पार्लर जाऊँगी, क्योंकि फ्रेंड मेरी थ्रेडिंग जो है बहुत बड़ी हो गई है और मैं जल्दी जल्दी बनवाती नहीं हूँ। तो इनको भी लग रहा है 2-3 महीने हो रहे हैं, बच्चों की छुट्टियों से पहले ही मैंने बनवाई थी, उसके बाद नहीं बनवाई, तो चेहरा बहुत बेकार हो रहा है। तो आज सोच रही हूँ कि चली जाऊँ पार्लर, और चूड़ियाँ भी नहीं हैं हाथों में, घर में जो चूड़ियाँ रखी हुई हैं वो कई साल पुरानी हैं, तो जल्दी जल्दी टूट जाती है। तो सोच रही आज मैं जाके चूड़ी भी पहन के आ जाऊँ और जाके थोड़ा पार्लर वार्लर हो के आ जाऊँ, थ्रेडिंग करवाऊँगी और अपर लिप्स, उसके अलावा कुछ नहीं। तो चलते दोस्तों पार्लर हो के आ जाऊँगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी। ये अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। सर दोस्तों शाम हो चुकी है और लगभग 7 बज गया है, मैं पूजा करके आ गई हूँ और मैं बैठी इस वक्त अपने छत पे, करेले में शाम के खाने में काट के उनमें नमक डाल के लगा के रख के आ गई, ताकि उनका कड़वापन जो है वो ख़त्म हो जाए। और देख सकते हैं मौसम का मिजाज कैसा है, ये हर्षू कार्तिक बैठे हुए हैं, दोनों डंडी ले रहे हैं, दूसरे से लड़ रहे हैं। ये देखिए क्या कर रहे हैं गाइस, आज हर्षू ने मेरे कैरम बोर्ड की गोटी खो दी काली वाली। जब मेरी मिलेगी तो मैं उसका एक सामान दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं चाय भी मेरी ठंडी हो रही है, तो आइए शाम की चाय पी लीजिए आप लोग, और शाम की चाय आप लोगों के साथ हो जाएगी। और जो है मेरे को ऐसे टाइम नहीं मिलता छत पे आने का, बहुत कम। फिर हम बताओ क्या बता रहे हैं, जो हम उसमें पेड़ है ना, पौधे लग गए छोटे, जो मट्टी है हाँ। है ना, किस चीज के पौधे निकल रहे हैं? तरबूज और खरबूज। और केले से, तरबूज खरबूज, केले नहीं तरबूज खरबूज, है ना। एक चीज के एक बीज होता है। तो हमने ना छत पे ना एक कोने में ना मट्टी लगा रखी है, 2 बोरे कम से कम मट्टी बिछा रखी है और ईंटों से उसको कवर कर रखा है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी जब उसमें कोई ना कोई पौधा उग जाएगा, जब मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसमें तरबूज खरबूज के बीज जो हम खाते थे वो डाल देते थे, वो उसमें निकल आए हैं। अभी थोड़े थोड़े अंकुरित हुए, अभी पता नहीं कि आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सीजन जा रहा है उनका। उसमें खाद पानी कुछ भी नहीं है, पानी तो डाल रखा है लेकिन खाद नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, चाय भी ठंडी हो जाएगी,
चलते चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तब तक के आप लोग कंटिन्यू ब्लॉग में हमारे बने रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और देखिए कितना सुहाना मौसम है, ये देख सकते हैं, ये देखिए कितने अच्छे से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और हर्षु भी उठाया, ऊपर से उठ के आया हुआ है, अभी उसने ड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं किया। कार्तिक जो है वो स्कूल जा चुका है। मैं बैठी होगी अपनी बालकनी में और मिठाइयाँ देख सकते हैं, अपना खाना खाने चाहिए थे। अभी मेरी दोस्त मौसम आज का भी जो है बारिश का लग रहा है, पता नहीं बारिश होगी कि नहीं होगी, ये तो पता नहीं है। और आज जाना है मुझे कार्तिक को लेने के लिए स्कूल, क्योंकि फ्रेंड आज मुझे जल्दी जल्दी काम करना होगा, फटाफट निकलना होगा यहाँ से, काम ख़त्म करने के बाद में 11 बजे करेक्ट मुझे घर छोड़ देना होगा। तो अभी हर्षु को मैं सबसे पहले ब्रश कराऊंगी, उसको नाश्ता पानी दूंगी, उसके बाद मैं लग जाऊंगी अपने घर के कामों में और फटाफट फ्री होकर मैं पहुंचूंगी स्कूल। या टाइम से पहुंच गई तो मैं 12 पहुंचूंगी। तो चलते हैं फ्रेंड्स। हाँ, पहले ब्रश करा दो, फिर ब्रश करा दूँगी तो उसको चाय नाश्ता दे दूँगी, उसके बाद में मैं उसको नहला दूँगी, है ना। तो हम लोग सब छत पे सोते रहते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। रात में हम इसी छत पे सोते हैं, जब बारिश हो जाती है तब हम नीचे सोते हैं, क्या बारिश हो रही होती तक। और वैसे तो हम लोग छत पे सोते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, अब इस ब्लॉग को यही एंड करते। कल का ब्लॉग जो है मैंने शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था इस वजह से, तो वो ब्लॉग जो है मैंने आज मॉर्निंग में शूट किया है। चलते दोस्तों, फटाफट काम कर लेते हैं। हाँ, बिल्ली बच्चे बता रहा है यहाँ पे ना छत पे किसी के, ना बिल्ली और उसके 3 बच्चे हैं ना, उसकी माँ भी है। तो चलते हैं दोस्तों, इस ब्लॉग को यही एंड करके उम्मीद करती है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे, अब दूसरा ब्लॉग तो मुझे शूट करना है, वो मैं पार्क में बैठ के करूँगी। तो चलते इस ब्लॉग को यही एंड करके उम्मीद करती है आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तब तक ख्याल रखिए।